प्रेरणा कथा, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर महान की बहादुरी के बारे में कौन नहीं जानता। उसने बहुत छोटी सी उम्र में ही आधी दुनिया पर अधिकार कर लिया था। वो एक के बाद एक बहुत से राज्यों को जीतता चला गया था और यूरोप से एशिया तक आ पहुंचा था। अपने देश वापस जाते समय सिकंदर महान बीमार हो गया। कहते हैं कि भारत में पोरस के साथ युद्ध के दौरान उसको एक जहरीला तीर लगा था। कुछ लोग कहते हैं कि उसको कोई रोग लग गया था। जो कुछ भी सच्चाई रही हो, ये तो सत्य है कि सिकंदर महान की मृत्यु भरी जवानी में ही हो गई थी। जब वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रहा था, उसको अपनी माँ से मिलने की तीक्ष्ण इच्छा थी, परंतु वो जानता था कि वो अपने देश नहीं पहुंच सकता था। जीवन के अंतिम क्षणों में सिकंदर ने अपने सेनापतियों को बुलाया और उनको कहा, मेरी तीन इच्छाएं हैं, मेरी मृत्यु के बाद मेरी ये तीन इच्छाएं अवश्य पूरी कर देना। मेरी पहली इच्छा है कि सिर्फ चिकित्सक ही मेरी लाश को कंधा दे। मैं चाहता हूं कि जिस रास्ते से मेरी लाश गुजरे, उस रास्ते पर हीरे मोती पैसे और बहुमूल्य पत्थर बिखरा दिए जाए। मेरे खजाने से ये सब चीजें लेकर मेरी शव यात्रा के रास्ते पर बिखेर दिए जाए। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मुझे कब्र में मिट्टी के नीचे दफन किया जाए, मेरे हाथ मिट्टी से बाहर ही रखे जाए और मेरे हाथ खाली हों। सेनापतियों में से कोई भी यह नहीं समझ सका कि सिकंदर महान ने वो तीन इच्छाएं क्यों व्यक्त की थी, परंतु किसी में भी सिकंदर से उनके बारे में पूछने का साहस नहीं था। एक सेनापति ने सिकंदर महान के पास जाकर सिकंदर का हाथ चूमा और कहा, आपकी तीनों इच्छाएं पूरी होंगी, परंतु कृपया ये बताइए कि आपने ये तीन अनूठी इच्छाएं क्यों व्यक्त की हैं। सिकंदर महान ने लंबी सांस ली और कहा, मैंने जीवन में तीन बातें सीखी हैं और वो मैं लोगों के लिए एक संदेश के रूप में छोड़ जाना चाहता हूं। मेरी पहली इच्छा के द्वारा लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी चिकित्सक मनुष्य को मृत्यु से नहीं बचा सकता है। जब मृत्यु का समय आ गया होता है तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक भी असहाय होते हैं। कोई भी चिकित्सक मरने वाले को मृत्यु के पंजों में से नहीं निकाल सकता। मेरी दूसरी इच्छा से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि सिकंदर महान सारा जीवन धन और वैभव का पीछा करता रहा और बहुत से देशों को जीतकर और भी शक्तिशाली और अमीर होता गया, परंतु उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो सारा धन भी किसी काम नहीं आया। मैं बताना चाहता हूं कि धन का पीछा करना समय की बर्बादी है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे खाली हाथ मेरी कब्र से बाहर ही रखे जाए। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि लोग खाली हाथ इस दुनिया में आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। मरने से पहले सिकंदर महान ने अपने सेनापतियों से कहा था कि उसकी स्मृति में कोई भी स्मारक न बनाया जाए, उसके हाथ उसकी कब्र के बाहर ही रखे जाए, ताकि लोग देख सकें कि जिसने दुनिया जीत ली थी वो सिकंदर महान भी खाली हाथ ही इस दुनिया से गया था। मित्रों, लोग धन वैभव और सफलता के नशे में चूर हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि कहीं दूर मृत्यु उनकी प्रतीक्षा कर रही है। सिकंदर से ज्यादा सफल और शक्तिशाली व्यक्ति तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। कितना सही कहा है शायर ने, कमी क्या थी सिकंदर को, सभी हाली महाली थे, हुआ जब वक्त जाने का तो दोनों हाथ खाली थे, तो दोनों हाथ खाली थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कष्ट ना हो तो हमारी ये छोटी छोटी कहानियां अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।